फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फोर टक्स ब्लाउज जो है उसकी कटिंग करते हैं। तो उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये कपड़ा लिया है, अब यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद जैसे बंद बाजू जो है वो अपने साइड में ली है, यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच लेते हैं। यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है 14.5 इंच, हम 14.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। यहाँ पे भी हमें 14.5 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी 14.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ पे हमें सीधा कट करना है। इस तरह से हमें इसको सीधा कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये सीधा कट किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे लंबाई ली हमने 14.5 इंच, यानी कि 13.5 इंच हमारी तैयार आएगी और ये 14.5 इंच लिया है। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, तो चेस्ट का 1/4 है हमारा 10 इंच। हम 40 चेस्ट का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसके चेस्ट का 1/4 है हमारा 10 इंच, इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 11.5 इंच। हम 11.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हम गले का मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे, हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। शोल्डर का हम हाफ लेते हैं। यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है, तो आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, हम 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इसका हम बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से हमने इसका बॉक्स बनाया है। और ये जो है ये हमारी बैक साइड है, फ्रंट साइड जो है वो हम अलग निकालने वाले हैं। तो पहले हम ये बैक साइड निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें बैक साइड की गोलाई देनी है, तो बैक साइड की गोलाई आएगी हमारी 2 इंच पे। यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक मार्किंग किया है। इस तरह से हमने इसको, ये जो गोलाई है ये हमारी बैक साइड की गोलाई है। और यहाँ पे हमें 9 इंच पे एक गले का मार्किंग करना है। जैसे ऊपर के साइड में हमने 2.5 इंच लिया है, नीचे के साइड में भी हमें 2.5 इंच लेना है। इस तरह से हमें इसको, इसका भी बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हमने इसका बॉक्स बनाया है। अब ये जो बैक साइड है इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। कमर जो है चेस्ट से 1 इंच कम लेना है। जैसे 10 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 निकलता है, तो हमें 9 इंच कमर लेनी है। यहाँ पे हमने ये बैक साइड जो है, बैक साइड का आर्मोल कट किया है। यहाँ पे हम गले के लिए मार्किंग करते हैं। अब यहाँ हमें फ्रंट साइड निकालनी है। जैसे ये बैक साइड का गला जो है वो बाद में कट करेंगे, हम जो फ्रंट साइड है पहले हम फ्रंट साइड कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है। यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। बंद बाजू जो है वो अपने साइड में ली है और ये जो बैक साइड है हमारी, ये बैक साइड जो है इसे हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे बैक साइड के ऊपर हमने ये फ्रंट साइड ली है, तो अबे जैसा है वैसा है पहले हमने कट करना है। फ्रंट साइड जो है यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये जो है ये हमारी फ्रंट साइड है और ये जो है ये हमारी बैक साइड है, तो यहाँ पे हमें गले का मार्किंग करना है 2.5 इंच पे, शोल्डर का मार्किंग करना है हमें 5.5 इंच पे, आर्म होल का मार्किंग है हमारा 6 इंच पे, यहाँ पे हमारा साइड का मार्किंग बाकी है, यहाँ पे हमें ये साइड का मार्किंग भी करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है ये हमारा बैक साइड का मार्किंग है, यहाँ पे हमें 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है। जैसे ये हमारा आर्मोल था, ये हमारे 2 इंच पे बैक साइड की मार्किंग थी, अब यहाँ पे हमें ये फ्रंट साइड है तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये 2 इंच का बैक साइड का और 1.5 इंच का फ्रंट साइड का, तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको फ्रंट साइड की गोलाई देनी है। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है, गले का मार्किंग जो है 2.5 इंच पे किया है, यहाँ पे हमें 5.5 इंच लेना है, 5.5 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे हमें सीधा लेना है। इस तरह से हमने इसका बॉक्स बनाया है, यहाँ पे भी हमें इसे इस तरह से राउंड शेप देना है, गले के लिए फ्रंट साइड के नेक के लिए राउंड शेप देना है। यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का 1/4 लिया है, चेस्ट का 1/4 है हमारा 10 इंच, हम 10 इंच के मार्किंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने चेस्ट का 1/4 10 इंच लिया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे जितना आपका कमर होगा, कमर का 1/4 प्लस 1.5 इंच, जैसे कमर है, कमर का 1/4 है हमारा 9 इंच, इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। और एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है क्योंकि टक्स के लिए हमें नीचे के साइड में हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है। जैसे ऊपर के साइड में नहीं लेते, चेस्ट में नहीं लेते, कमर में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो टक्स आता है तो ये जो कमर के साइड से हमें ज़्यादा लेना पड़ता है, तो यहाँ पे कमर का 1/4 प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है प्लस 1.5 इंच लिया है टक्स के लिए, तो यहाँ पे हमने ये टक्स के लिए 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, ये जो फ्रंट साइड का आर्मोल है इसे कट करना है। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड की जो गोलाई है गले की वो देनी है, यहाँ पे हमें बीच में इसको कट करना है, फ्रंट साइड हम ओपन रखने वाले हैं तो बीच में हम इसको कट करेंगे। अभी इसके ऊपर हमें टक्स लगाने हैं, तो यहाँ पे हमें इसका सेंटर निकालना है, तो इसका सेंटर है हमारा 1.5 इंच, हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, 4.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है और इस साइड से भी हमें 1 इंच लेना है। इस तरह से हमें इसका टक्स लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच लेना है, 2 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, यहाँ पे हमें तिरछा टक्स लगाना है, यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और ये जो है ये हम आर्मोल में टक्स लगाते हैं। फिर इस साइड से भी हमें 2 इंच लेना है,
यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा तिरछा टक्स लगाना है। तो इस तरह से हमारे ये फोर टक्स आते हैं। तो अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। आप चाहे तो इसको क्रॉस पट्टी भी लगा सकते हैं, जैसे बेल्ट ब्लाउज भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको 3 इंच लेना है और इस साइड से आपको 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्रॉस पट्टी भी लगा सकते हैं, तो आपका वो बेल्ट ब्लाउज भी तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से फोर टक्स वाला ब्लाउज जो बोलते हैं उसको, तो ये आप इस तरह से कटिंग करोगे और ये टक्स लगाओगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे हमें आर्मोल नापना है, क्रॉस में हमारा आर्मोल कितना आता है वो लेना है। तो वो आता है हमारा 10.5 इंच। तो क्रॉस में आर्मोल आता है हमारा 10.5 इंच। अब स्लीव्स के लिए हमने ये डबल कपड़ा लिया है। डबल कपड़े को इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे हमें फिर से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। जैसे 10.5 इंच हमारी आर्मोल की चौड़ाई, आर्मोल जो है वो क्रॉस में नापा तो हमारा 10.5 इंच आता है। तो यहाँ पे हमें 10.25 इंच लेना है। तो हम 10.25 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमें 4.5 इंच तैयार बाजू चाहिए, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 6 इंच लेना है। ये हमारी हमने 6 इंच लिया है। हम 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से हमें 1 इंच लेना है और इस साइड में हमें 1 इंच लेना है। तो यहाँ हमें बाजू का शेप देना है। इस तरह से हमने ये बाजू का शेप दिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। जैसे 1/2 इंच आप तिरछा कट दोगे तो भी चलता है। जैसे जितना आपका बॉटम होगा उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। यहाँ पे हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। अब यहाँ हमें फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसे कट करना है। इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसे कट किया है। तो यहाँ पे हमने आपको फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.